हम अभी तक हम कुछ नेचुरल प्रकृति को जगरनॉट्स को देखा, बीच, बारिश, नदी, भगवान, गुड, ऐसे प्रकृति के जगरनॉट्स, कुछ पुरातन जगरनॉट्स जो जगन्नाथ रथ यात्रा और अपोलो जो मून लैंडिंग मिशन देखा, पर अभी देखेंगे हम मॉडर्न डे, आज के दिन की मॉडर्न डे के जगरनॉट्स क्या है और उन चीजों से क्या हमको कुछ सीखने को है वो देखेंगे। बताइए आपकी जानकारी में फेसबुक व्हाट्सएप इज अ जगरनॉट, गूगल एक जगरनॉट, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट जगरनॉट, गूगल जगरनॉट, मैकडोनाल्ड्स, केएफसी, बाहुबली एंड विजय एग्रो भी एक जगरनॉट। यस एब्सोल्युटली, चलो देख लेंगे ये लोग जगरनॉट कैसे बने, क्या है इनकी रहस्य, जल्दी से जल्दी देखेंगे। व्हाट्सएप को देख लीजिए, व्हाट्सएप केवल 2009 में इनकी स्थापित हुआ, 2009 में दो लोग जो याहू से बाहर आए हैं वो संस्था को डाले, और ये देखो केवल दिसंबर 2013 से अप्रैल 2014 मतलब 3-4 महीने में इनकी कस्टमर बेस 40 करोड़ से 50 करोड़ बन गया, 10 करोड़ नए कस्टमर आए हैं। मैं व्हाट्सएप यूज करता हूं, आप में से कोई व्हाट्सएप यूज करने वाले हैं यहां पे हाथ उठाइए, कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं यहां पे, सब लोग व्हाट्सएप करते हैं। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं क्या, आपके पास कौन सी व्हाट्सएप कंपनी के एग्जीक्यूटिव आके साहब बताइए, इसमें आपने फ्री में मैसेज भेज सकते हैं, फ्री में भी वीडियो भी दे सकते हैं, आप ग्रुप भी बन सकते हैं, आपके परिवार का कोई व्हाट्सएप के एग्जीक्यूटिव आपके आके आपसे बोला क्या, नहीं बोला, आपको किसी ने बोला होगा, आप भी 10 लोगों को बोला होगा, अरे तुम व्हाट्सएप डालो यार हम सब ग्रुप बनेंगे बोल के, हम सब किए हैं। क्या हुआ यहाँ पे, व्हाट्सएप ने क्या किया और फेसबुक इनको एक दो साल के पहले $19.1 बिलियन से खरीद लिया, 5 साल में इस कंपनी की कीमती बन गया 1,20,000 करोड़। कैसे इतना बड़ा संस्था जगरनॉट जैसे बन गए, क्यों, क्योंकि यहां पे मार्केटिंग नहीं किया ये लोग, मार्केटिंग नहीं किया ये लोग, क्या किया, वायरल मतलब एक बार एक वीडियो आया लोग देखना शुरू करते हैं, हजारों लाखों लोग शुरू करते, एक वायरस जैसा पहलती है ऐसा ये कंपनी की जो कस्टमर बेस ऐसा पहला हुआ, वायरस जैसा पहला हुआ, तो इसको बोलते हैं वायरल इज द न्यू। 1 से 10 लोगों को, 10 से 100 लोगों को, 100 से 1,000 लोगों को, 1,000 से 10,000, 10 लाख, ऐसे जो कस्टमर बन गए वो जाके 10 कस्टमर लोगों को बोला और वो जाके 10 कस्टमर लोगों को बोला, इसको बोलते हैं वायरल इज द न्यू मार्केटिंग मंत्रा। सो हम विजय एग्रो में, हम विजय एग्रो से जुड़े हुए हम सब इसमें से क्या सीख सकते हैं, हम किसानों को देते हैं क्या, किसानों जाके और हमारे बारे में किसान, ये किसान जाके 10 किसान को बोलेंगे भैया जाके वो शॉप से ले लो, जाके वो विजय एग्रो से ले लो। मैं सुना था कुछ रिटेलर्स हैं जब कंपनी लोग आते हैं उनको बोलते हैं भैया हमारी प्रोडक्ट ले लो, नहीं साहब आप विजय एग्रो को डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे दीजिए हम विजय एग्रो से ले लेंगे। आप में से कई सारे दोस्तों कंपनीज को बोलते हैं विजय एग्रो अच्छा संस्था है, विजय एग्रो को आप दीजिए हम विजय एग्रो से ले लेंगे। विजय एग्रो के बारे में आप बात कर रहे हैं और आपके बारे में आपके किसानों बात करेंगे और वो किसान जाके 10 किसानों को बोलेंगे आपके बारे में, आपकी सर्विस के बारे में, आपकी शॉप के बारे में, आपकी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी के बारे में, कैसा होगा, अच्छा होगा। सो वो कैसे कर सकते, लेट द डीलर्स मार्केट, फार्मर्स को मार्केट करने दो, ये करना है तो इवेंजलिस्ट बनना चाहिए, इवेंजलिस्ट क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट होते हैं, कभी सुना इवेंजलिस्ट, क्रिश्चियन इवेंजलिस्ट, जीसस का इवेंजलिस्ट, मतलब वो दे लव जीसस, दे टॉक अबाउट जीसस, दे ब्रीथ जीसस, दे ड्रिंक जीसस, दे टॉक जीसस, दे थिंक, हमेशा उनके दिमाग के ऊपर जीसस जीसस जीसस, कोई भी उनके सामने आए जीसस के बारे में अच्छा, क्योंकि उनकी महसूस होता है मैं अच्छा काम कर रहा हूं बोल के, हमेशा उनको इतना प्यार है वो काम में, वो इवेंजलिस्ट बोलते हैं। ऐसे ही हम विजय एग्रो को, हमारी संस्था को हमें एक इवेंजलिस्ट बनना चाहिए, जब हम इवेंजलिस्ट बनेंगे हम जाके किसानों को हमारी संस्था का इवेंजलिस्ट बनाएंगे, क्या बनेंगे हम इवेंजलिस्ट, प्यार करेंगे, जब हम प्यार करेंगे और 10 लोग भी आके हमारे संस्था को प्यार करेंगे, जब हम अच्छे बात अच्छा महसूस करेंगे, अच्छा फील करेंगे, अच्छे बात करेंगे, अच्छा बात करेंगे, हमें उसके बारे में क्या कर सकते हैं बोल के सोचेंगे, ये हम इसे सीख सकते हैं। दूसरा जगरनॉट माइक्रोसॉफ्ट,
इसके अधिपति है बिल गेट्स, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड टुडे। आज के दिन पर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कौन है बोलेंगे तो बिल गेट्स। ये अभी काम करना भी बंद किया और उनकी बीबी अफ्रीका में, एशिया में, इंडिया में, अलग अलग जगह में आते हैं, कुछ सेवा करने के काम में लगे हुए हैं। बट ये कंपनी की शुरुआत कहाँ हुआ, ये उनकी प्रगति में इनकी सीक्रेट क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का सीक्रेट सॉफ्टवेयर जगरनॉट। हर एक कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज सॉफ्टवेयर डाला जाता है, हर एक कंप्यूटर में। क्या है इसकी सीक्रेट? बहुत सारे हैं, बट एक सीक्रेट हम आज ले सकते हैं इस प्रोग्राम से है, स्टेइंग वन स्टेप अहेड ऑफ द कंपटीशन। मतलब कंपटीशन से एक कदम हमेशा माइक्रोसॉफ्ट ने आगे रखा, एक कदम, बस एक मेल नहीं, 10 कदम नहीं, 100 कदम नहीं, केवल एक कदम आगे रहा। बस वो एक ही कदम माइक्रोसॉफ्ट को, पूरी कंपटीशन को अलग कर दिया। कैसे हुआ? 1975 में शुरुआत हुआ, पहले एमएस डॉस बोल के लेके आया, पहले जो सॉफ्टवेयर लेके आया वो कैलकुलेटर जैसा, बट प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर। बाद में उन्होंने बोला भैया ये प्रोग्राम जैसे कंपटीशन को कैचअप कर रहे हैं, वो एक कदम आगे गया। वो बोला ये कैलकुलेटर नहीं, ये टाइपराइटर जैसा, आप डॉक्यूमेंट टाइपिंग भी कर सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं, तो बाद में टाइपराइटर चलेगा। और ये जो टाइपराइटर जैसे कंपटीशन को कैचअप करने शुरू किया, उन्होंने बोला भैया इससे आप मेल भी, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं। तब टेलेक्स फैक्स वगैरह होता था, वो चले गया। जैसे ही कंपटीशन को पकड़ना शुरू किया, एक कदम आगे गया भैया ये कंप्यूटर को आपकी एंटरटेनमेंट जैसा, विंडोज मीडिया प्लेयर, वहां मूवी भी देख सकते हैं, बाद में गेमिंग एप्स, ऐसा बोल के एक एक कदम आगे जाके, एक जो बनाया प्रोडक्ट वही ही प्रोडक्ट से नहीं रोका, वो आगे गया एक एक प्रोडक्ट ऐसे आगे ले जाके। देखो उनकी जो पूरा विंडोज में एडवांसमेंट जैसे उनके आगे ऐसा आया, हमेशा उन्होंने कॉम्पिटिशन से एक कदम आगे रखा, बस ज्यादा दूर नहीं। So, हमको भी सोचना चाहिए, हम जो बिजनेस कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, वहां पे भी कंपटीशन है, वो कंपटीशन से मैं, मेरी कंपटीशन से एक कदम मैं कैसे आगे रहूं, क्या करके रहूं, मेरे सर्विस में, मेरी प्रोडक्ट दिलवाने में, जब वो मेरे शॉप में आए तो उनसे बात करने में, क्या है, कैसे मैं मेरी जगह पे मेरे कंपटीशन से एक कदम आगे रखूं। ये हमको सोचना चाहिए और वो हमारे सिस्टम में डालना चाहे तो अब भी हम भी एक जगरनॉट बन जाते हैं। हम करके आ रहे हैं, जलगांव जिला में विजया एग्रो ये करके आ रहे हैं, करके आ रहे हैं। 1985 में 85 बैग्स फर्टिलाइजर से शुरू हुआ संस्था, आज 55-60 करोड़ तक पहुंच गया। मतलब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर लोग हैं, डीलर लोग भी, कंपनी लोग भी, आज विजय एग्रो एक डिस्ट्रीब्यूटर नहीं, एक संस्था बन गया, एक कंपनी बन गया, एक कंपनी कई कंपनियों का सम्मिलित बन के एक कंपनी बन गया, वो स्थिति पे आया। मतलब ये कंपटीशन के आगे हम रखे आ रहे हैं, इसलिए कई सारे रिटेलर लोग, कस्टमर लोग, किसान लोग हमारे विजय एग्रो बोले कि उनको विश्वास है और कई लोग हमारे बारे में अच्छा बोलते हैं। यस और नो? यस और नो? यस। तो वही जो आप करके रहे हैं आने वाले दिनों में भी, आने वाले में आप सब विजय एग्रो, मतलब क्या है, आप ही विजय एग्रो है, कि आप आने वाले दिनों में भी कंपटीशन से एक कदम आगे रहेंगे, आगे रहेंगे, रहिए प्लीज, बस एक कदम आगे।